की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। अगला मुकाबला एक तरफ नंबर एक पर ग्रुप रस्ट एकेडमी हरिद्वार और नेवी का कैप्टन, ये दोनों टीमें वार्म अप रहे यूपी की टीम जेडी की टीम। आप टाइम कर सकते हैं अंकुश राठी उत्तराखंड पुलिस, आप कुरोरी गांव के रहने वाले, आप पे बच्चर विराजमान और इस प्रमुख स्टारों की टीम मोहित नांदल, जयदेव भैया बरतौड़ा, सचिन आशीष बबला, बड़ी अच्छी टीम है। रिंकू शर्मा भी इस टीम का हिस्सा होंगे, मोहित जयदीप और रिंकू ने अभी ज्वाइन की है, बरतौड़ा ने 2 से 3 साल हो गए ज्वाइन किए हुए, और अंकुश राठी जो कि लाखन माजरा से बिलोंग करता है, जूनियर वर्ल्ड कप में गोल्ड हासिल करने वाला प्लेयर, और मोहित नांदल इस समय बिल्कुल परफेक्ट होता हुआ अपने। दूसरी तरफ जेडी एकेडमी की टीम बड़ी जबरदस्त टीम है दोस्तों, मनजीत सिंह जो प्लेयर है वो यदि अपने रंग में हो तो कुछ भी कर सकता है, और रेड पे फिर चला नेवी का स्टार बरतौड़ा, पहली रेड पे जबरदस्त कैच लगा दी, और मनजीत करेगा रेड शायद तक जेडी के लिए। जेडी एकेडमी का खाता खुल गया कोर्ट नंबर एक पे, दो पे माफ कीजिए, दो पे मंच पर विराजमान श्रीमान सुरेश राय जरूर परीक्षा लेगा मनजीत, नेवी टीम के अच्छा खेलता है। जयपाल विष्ट जी से एक बार पुनः, और रिंकू शर्मा से गलती करवाई यहाँ पे मनजीत ने, रेड पे आशीष नरवाल और बबला बनवासा, जिला सोनीपत बनवासा गांव से बिलोंग करता है, सेकंड मैन से बड़ी जबरदस्त कैच लगाता है दोस्तों, हेल्पर की कैच बोलते हैं उसको, रेडिंग में भी अच्छा कार्य करता है, और रनिंग हैंड टच करने की कोशिश। जेडी एकेडमी की टीम भी बड़ी जबरदस्त खेलती है, जेडी नोएडा के अंदर स्थित एकेडमी। मेरा श्रीमान कलम सिंह चौहान जी, गंभीर चौहान जी और जयपाल भी साहब से निवेदन किया जो हमारे अतिथि निर्मल, और अब 9 नंबर की जर्सी का प्लेयर दोस्तों सचिन नरवाल, सनी देओल के नाम से जाना जाता है प्लेयर, गांव रिंडाणा जिला सोनीपत, नेवी में कार्यरत है और प्रो के 3 से 4 सीजन खेल चुका है, बड़ा जबरदस्त खिलाड़ी है। इधर से बैक कॉल की जा रही थी लेकिन एक अंक लेकर आए अपनी टीम के लिए, और मनजीत कर रहा है इसमें, जो मशवरे से काम होता है वो बढ़िया होता है, देखो मशवरे के लिए डिस्कशन के लिए बोनस के लिए बार बार चेक कर रहा है साइया के टूर्नामेंट और बैरान, और मनजीत को टैकल कर दिया यहाँ पे, और बरतौड़ा को रिवाइव कराया यहाँ पे और कवर करने की कोशिश, डिफेंस गलतियां करता हुआ यहाँ पे जेडी एकेडमी टीम का, और नेवी की टीम भी बड़ी मजबूत टीम है दोस्तों, टूर्नामेंट में फाइनलिस्ट की दावेदार टीम है, लेकिन कबड्डी खेल बड़ा जबरदस्त है दोस्तों, कोई भी टीम कहीं पड़ सकती है। बरतौड़ा फिर रेड करता हूँ यहाँ पे, बड़ा यूनिक फुटवर्क है इस प्लेयर का, दोनों तरफ से रेड करने की महारत है, इसीलिए साइया मंडी उत्तराखंड के अंदर चलता हुआ टूर्नामेंट, बड़ा जबरदस्त टूर्नामेंट है, और जेडी एकेडमी की तरफ से 4 नंबर की जर्सी का प्लेयर रेड करता हुआ और रनिंग एंड टच की कोशिश, लेकिन मोहित जैसे प्लेयर को टच करना बड़ा मुश्किल कार्य है। स्कूटी के साथ साथ कई और असी सुनरवाल के ऊपर विश्वास जताया जा रहा है टीम के द्वारा, कॉर्नर पर बिल्कुल ट्रैक करते हुए बार बार ट्रैक किया जा रहा है, डाइव से बचना होगा, एक और अंक प्राप्त करता है, वहाँ पे 2.5 है लेकिन यहाँ माहौल देखिए 13-27 लिखा स्कोर हो चुका, नेवी का 4 अंक और 2 अंक का जेडी एकेडमी का स्कोर, जी हाँ 13-28 15 पॉइंट की लीड अब आ गई है, और बोनस अंक प्राप्त कर लिया लेकिन डिफेंस ने बिल्कुल घेर लिया यहाँ पे, डिफेंस से देखना होगा क्या वो स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पे नेवी का, लेकिन 2 नंबर तो है ही खतरनाक इस काम
उनके लिए एक्सपर्ट है, कॉर्नर पे रहते हुए एंकल होल्ड करने में माहिर है, सेकंड में पता नहीं लगने देता। पांच अंक हो चुके और छह अंक, छह तीन का स्कोर हो चुका दोस्तों, छह अंक नेवी के और तीन अंक जेडी अकेडमी के और प्लंटी यहां पे लगी। आपको बता दूं लकी ड्रॉ के कुछ स्कोर में काफी अंतर आ जाएगा, मैच में पिछड़ जाएगी शुरुआती लम्हों में ही। समिति सहायक को दिया प्लंटी बचाने होगी अंकुश समिति के, और एक बड़े अच्छे पिछड़ा जैसे प्लेयर से बच के रहना होगा। मोहित नांदल बड़ा जबरदस्त कवर है और आगे रिंकू और आशीष की चैन की जोड़ी बड़ी बेहतरीन कार्य करती है। 25 एक अंक बोनस में प्राप्त किया जेडी एकेडमी ने और 9 अंक हो चुके हैं टीम नेवी के। बारथोड़ा गांव कलोई जिला रोहतक इस समय रेड करता हुआ और दूसरी तरफ मनजीत चला रेड पे। यूपी के जेडी अकेडमी में प्रैक्टिस करता बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, हैवी वेट में अच्छे मूवमेंट के साथ रेड करता है, रनिंग एंड टच करने की कोशिश करता हो बिल्कुल मोहित नांदल के ऊपर, लेकिन मोहित नांदल बिल्कुल जबरदस्त प्लेयर और जबरदस्त कवर लगा दिया यहाँ पे। बोनस की मांग की जा रही है यहाँ पे, टाइम आउट बुलाया दोस्तों। नितिन तोमर नेवी में कार्यरत है और नेवी के अंदर ही कोचिंग कोच के पद पर बिल्कुल नियुक्त हो चुके हैं, कबड्डी की दुनिया से सन्यास ले चुके हैं। जबरदस्त कॉर्नर पे किक लगाई है दोस्तों बर्थहुड्डा ने, बारह अंक नेवी की टीम का स्कोर और चार अंक और सनी देओल फिर रेड पे, सनी देओल और सचिन नरवाल रिंडाणा गांव से बिलोंग करता बड़ा जबरदस्त प्लेयर है दोस्तों और कच का दावा कर दिया बिल्कुल। ग्राउंड के चारों तरफ लाइट की व्यवस्था कर रहे हैं, मैच शाम तक चलेंगे। जी आपने सूचना दी क्योंकि अभी हमारे सेमीफाइनल्स बाकी है, ग्रैंड फिनाले 1,11,000 सबसे बड़ा मैच बाकी है भाई। अपनी लाइटों को चेक कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन, बिजली वाले आशीष ने गलती कर दी है, गांठ पड़ जाए तो गांठ पड़ने की गुंजाइश नहीं है सर। ये उत्तराखंड की खूबसूरत धरती है, मजबूत टीम है नेवी और 14-5 का स्कोर हो चुका है। एक और कैच लगा दिया रिंकू शर्मा ने जो कि रिंडाणा गांव से बिलोंग करते हैं, सचिन और रिंकू एक ही गांव से बिलोंग करते हैं दोस्तों। सचिन नरवाल दावा किया जा रहा है और रेडर को बिल्कुल आउट दे दिया है। एक और जबरदस्त चैन टैकल जबरदस्त मोहित नांदल द्वारा, आशीष फिर चला रेड पे। और आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो SAR जो ये कॉलेज है इसके माननीय अध्यक्ष श्री का भी चेयरमैन सर का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बहुत अच्छी रहने की जो व्यवस्था है 2023 में इन्होंने 24 में बढ़िया नहीं कराई बल्कि 2022 में 2023 में जब से ये प्रतियोगिता शुरू हुई है मैं हर साल का गवाह हूँ, एक से बढ़कर एक व्यवस्था कराते हैं और खिलाड़ियों को कोई पीजी कॉलेज सहायता थी और बड़ी खुशी की बात है। देखिए हमारे प्रदेश के जाने माने ओपनर मोहम्मद गराज के अब मुकाबला लगभग क्वार्टर फाइनल्स के राउंड में है, आने वाले मैच और भी दिलचस्प होंगे जो अब इनामी राशि की तरह जैसे जैसे निचोड़ होता चला जाएगा वैसे वैसे ही मैच बढ़िया होंगे क्योंकि जो कमजोर प्रदर्शन करने वाली टीमें हैं वो बाहर होती चली जाएंगी और फिर बहुत ही शानदार माहौल खेल के लिए इस समय देख सकते हैं दर्शक पूरे
स्ट्रेटजिक टाइम आउट चलता हुआ। दर्शक आए हैं आपके 100 रुपए में हो सकता है आपके तादाद में हमारे बुजुर्ग अभिभावक आए हैं, हमारे बताए बहने आई हैं, नौजवान साथी छोटे छोटे बच्चे आए हैं। ये खेल का संस्कार बढ़ रहा है साहब, और हर साल की तरह इस साल भी सार्वजनिक तौर पर सबके सामने लकी ड्रॉ की हेलो टीम अमराया गांव वाइज के जो टीम कैप्टन है क्रीड़ा मंच से संपर्क करें अति शीघ्र। दावला और बाइथा दोनों टीमें बाइथा और शिव क्लब दावला बहुत बड़े मुकाबले हैं और गांव वाइज के भी मैच आज देखने को मिले। बाइथा और दावला की टीमें गांव वाइज के लिए वार्म अप हो जाए। शिव क्लब दावला तोमर क्लब बाइथा पहुंचेगी माननीय रणवीर मैं सबसे भी गुजारिश करूंगा। साउंड एक बार बड़े स्टार्स नजर आ रहे हैं और हमारे देखिए देहरादून से और पूरे उत्तराखंड के एक एक जाने माने हस्तियां मंच से मैच देखने आई है और हमारे दर्शक ओहो रफ्तार मगरती शुरू की है। खूबसूरत आयोजन में इस टीम भी टीम की बात करें नितिन तोमर रोहित तोम यूपी योद्धा से सचिन बेंगलुरु बुल से भरत हुड्डा बेंगलुरु बुल से मोहित हरियाणा स्टीलर और इस टीम में जसदीप जैसे देखिएगा इस मुकाबले में लकी ड्रॉ के ऊपर आप लेना ना भूलें। 20-11 का स्कोर इस समय बड़ी लीड नजर आने वाली है। 20-11 यानी कि लीड जो है एवी की वो 9 पॉइंट की और कमता हुआ दीवाना क्रॉप पवन सहरावत नजर आएंगे। 11 भरत हुड्डा ये भी प्रो कबड्डी के जबरदस्त सितारे हैं इस समय भरत हुड्डा रैंक पे और ये देखा हम इस समय हुड्डा आते हैं उनके खिलाफ डिफेंस एक चुट हुआ है सक्रिय हुआ एक कल पे गए और ब्लॉक किया खूबसूरत। हाफ टाइम हो चुका दोस्तों और स्कोर 21-12 का स्कोर है। 21-12 और माननीय हमारे ऑफिसर रणवीर गुरु जी श्री दिनेश कस्तूरा जी भरत तोमर जी कुंवर सिंह राय जी गुरमोहन शाह। हाफ टाइम के बाद मैच की शुरुआत होती है दोस्तों। 21-12 का स्कोर है। देख सकते हैं ये मुकाबले में अब धीरे धीरे बड़ा तौर बड़ी करती हुई 12-22 10 पॉइंट की लीड है इस वक्त 12-22 का स्कोर इंडियन नेवी नेवी टीम जहां भरत हुड्डा जैसे प्लेयर हैं इस समय आशीष जैसे सितारे हैं लेकिन जेडी एकेडमी भी बड़ी अच्छी टीम है। मनजीत सिंह फिर गला रेड पे जेडी एकेडमी के लिए अभी तक मनजीत को खामोश रखा गया इन्होंने नेवी की टीम द्वारा। मोहित नांदल जैसा कवर बड़े बड़े रेडरों को चित कर देता है फिर चला सन्नी देओल रेड पे सन्नी देओल और सचिन अग्रवाल प्यार से खिलाड़ी को सन्नी देओल बोलते हैं और टच बिल्कुल लगा दिया है। और मनजीत फिर चला रेड पे हमारे दर्शकों से आग्रह है लकी ड्रॉ के कूपन आप जरूर लेना ना भूले। मंजीत आए हैं रेड पे 7 का फुल हाउस मंजीत के लिए देखना होगा लगातार सामने से चेन लेकर आए खूबसूरत लगातार
तीसरा कवर जर्सी नंबर 14 जर्सी नंबर 12 मोहित नांदल ने लगा दिया है। सामूहिकता में ताकत है और वो दिखाया है इन्होंने। अपने दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूँ। मेरा नाम विकास सिंह, आवाज आप खेलो इंडिया के पिछले चार संस्करण में लगातार आप डीडी स्पोर्ट्स और स्टार पे सुनते हैं। फिलहाल एंकल होल्ड। ओहो हो, कमाल कर दिया। एक डिफेंडर ने पैर पकड़े दूसरे को। योगी स्पोर्ट्स से लाइव एक्शन। भरत हुड्डा बाहर गए हैं सब। बहुत ही शानदार विशाल। विशाल को आज विशाल काम करना होगा। 14-24 लीड जो है 7-10 पॉइंट। कोशिश डिफेंस में खलबली मचा के वापस लौटे हैं और महत्वपूर्ण पॉइंट लिए हैं। चौबीस 16 का स्कोर है दोस्तों। 24 अंक नेवी की टीम के और 16 अंक जेडी की टीम के। 8 अंकों की लीड है। कोई बड़ी लीड नहीं है, तोड़ सकती है टीम जेडी की। 2 सुपर टैकल लगे हैं और रेटिंग में यदि स्कोर आ जाए 1 मल्टी पॉइंट तो ये स्कोर बिल्कुल क्षेत्र में कबड्डी का श्रृंखला कराया है। जर्सी नंबर 14 रनिंग एंड कैच का प्रयास। डिफेंस फिलहाल 5 का। हेलो हेलो 5 के डिफेंस में अगला जो मुकाबला होगा वो है पवन सेहरावत। पवन स्टार खिलाड़ी, आप भारतीय टीम के कप्तान भी हैं पवन सेहरावत। और बड़ा नाम ये टू अड़ाई गिरा गई है। और ये जो अगला मैच होगा ओपन में अंकित मंडोला हरियाणा वर्सेस लखावटी, ये दोनों टीमें तैयार हैं। ये कोर्ट नंबर 1 पर होगा अगला मैच लखावटी वर्सेस अंकित मंडोला हरियाणा। स्कोर बढ़कर 16 से 18 अंक हो चुके हैं और लीड रहेगी दोस्तों मात्र 6 पॉइंटों की। यदि यहाँ पलंटी लग जाती है टीम नेवी को तो जरूर मैच में वापसी कर जाएगी। स्कोर बिल्कुल बराबर आ जाएगा और मेरे को लगता है कि जेडी की टीम इस पे हावी चुकी है। मनजीत चला रेड पे दोस्तों। स्कोर हो चुका है 19-24 5 पॉइंट की लीड और जयदीप और मोहित की जोड़ी। जयदीप से बच के रहना होगा। डाइव बड़ी जबरदस्त करता है मोहित नांदल की तरह और भरत हुड्डा को यहाँ पे रिवाइव कराया गया है। बात करें अब लीड और बड़ी होती हुई। बहुत ही शानदार यह मुकाबला 19-26 लीड में अब आ गई है इंडियन नेवी। 19-26 का स्कोर। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई है, कमाल की व्यवस्था की गई है आयोजन समिति के द्वारा। साया वैली क्रीडा महोत्सव दूसरा दिन ओपन कबड्डी 1,11,000 इनामी राशि लकी ड्रॉ के कूपन जहां पे आप जीत पाएंगे बहुत कमाल के। बात करें पुरस्कार आशीष कमाल कर रहे हैं। आशीष एक बड़ा नाम है इस समय जेडी एकेडमी का युवा सितारा है। अब भरत हुड्डा आए हैं रेड पे प्रो कबड्डी सितारा कोर्ट नंबर 2 पे। और विशाल जैसे रेडर जेडी एकेडमी के लिए वहां पवन सेहरावत धूम मचा रहे हैं। जो लीड कम की थी उस लीड को और कम नहीं कर पाई टीम जेडी की टीम। और 28-19 का स्कोर है। 9 पॉइंटों की लीड दोस्तों। ब्रेक की कमाल लेकर के हमने एसएम का और हमारे सभी सहयोगियों का आयोजन समिति का लकी ड्रॉ की जो व्यवस्था संभाल रहे हैं उन तमाम बंधुओं का भी मैं धन्यवाद देता हूं और आए हुए दर्शकों का आयोजन समिति की तरफ से
तो भाई कोर्ट नंबर दो पर तो लगभग नतीजे का समय बहुत नजदीक आ गया है और विशाल आए हैं रेट पे, छोटी रेट करी क्या दो अढ़ाई का इंतजार है, दो अढ़ाई आ गई है। जी हाँ, दो अढ़ाई रेट आ चुकी है। जब इतनी छोटी रेट की जाए यानी समझ सके कैलकुलेशन है कि प्रतिद्वंदी टीम का दो अढ़ाई, लेकिन भारत इस खेल के लिए जुटाया और अपनाया ये चारों टीमें वापस है। दोनों टीमें कोड नंबर दो के लिए तैयार है और कोड नंबर एक पर अखिल मंडोला हरियाणा वर्सेस रखौटी। इस मैच की समाप्ति जैसी अंतिम पांच मिनट का खेल बाकी दोस्तों, और सुपर टैकल हो चुके हैं आशीष नरवाल। स्कोर बढ़कर हो चुका है 21-30, 9 पॉइंट की डिफरेंस अंतिम पांच मिनट। बोनस का अटेम्प्ट किया और बोनस बिल्कुल मिला और बारतोड़ा फिर चले रोड पे। दोस्तों बड़ा अच्छा प्लेयर है, तीन का डिफेंस है, सुपर टैकल की स्थिति ऑन है, सुपर टैकल से बच के रहना होगा और वही होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 23-30 का स्कोर हो चुका दोस्तों, 24-30। जेडी एकेडमी वापसी कर रही है, कुछ भी हो सकता है। कमजोर दिल वाले मैच में देखें, क्वार्टर फाइनल का बड़ा मुकाबला है। 24-30 हो ये डिफेंस भी अलग टैकल कर लिए गए और शानदार माहौल है। 31-24 अब वो लीड 7 पॉइंट की है, 7 पॉइंट की बढ़त। इधर भी ऐसा हुआ, टैकल सक्सेसफुल ड्रॉप कर दिया पूरे तरीके से, पूरे पॉइंट और मिला वहां पर के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। देखते हैं वो ऐसा कर पाने में कामयाब होंगे या आखिरी 3 मिनट 32-24 यानी कि 8 पॉइंट की लीड है। सुपर टैकल ऑन और अब ताबूत में आखिरी किल भी लगता है। इंडियन नेवी ने 2+2 4 पॉइंट के साथ चारों खाने चित कर दिए। मंच पर शोभायमान श्रीमान अजीत चौहान जी, आप डॉक्टर गांव के रहने वाले और भारतीय नेवी का कार्यरत हैं, आपका यह समय देखने के लिए शोभायमान श्रीमान अजीत चौहान जी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। अनिल राय जी भाई, अगर नेवी की टीम जीत जाती है तो आरा के बाद ये सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनेगी। 37-24 का स्कोर है और ग्राम पंचायत मंडल के प्रधान भी है, काफी लीड में चलेगी नेवी की टीम। आपसे निवेदन शर्मा अजीत चौहान जी को अंतिम तो 2 मिनट का खेल बाकी, जेडी की टीम मुकाबले में 2 बार आई लेकिन उस मुकाबले आप मौके को बढ़ा नहीं पाई। पलंटी का मौका आया, जयदीप दैया ने जबरदस्त डाई लगाई वहां से मेरी की पलंटी, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व बिल्कुल बच गए। और अब ये मुकाबला लगभग समाप्ति की तरफ है कोर्ट नंबर 2 पे, जहां पे 25-37 और नेवी की टीम औपचारिकता पूरी कर रही है, बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है। जहां वक्त जाया करते हुए टाइम किल करना, ये भी जब आप लीड में होते हैं कबड्डी की बुनियादी एज करके वापस आते हैं ताकि रेट वैलिड हो जाए। और कबड्डी में रोमांच बरकरार रखने के लिए थर्ड रेट इसीलिए रखी गई है कि अगर लीड हो जाती है तो इसके ऊपर जयदीप दैया ने तो रोकने की कोशिश की थी अनिवार्य है लेकिन रुके नहीं। डिफेंस भी अब समझ चुका है कि अब देखती है जेडी की टीम रोकती है या आशीष नरवाल स्कोर निकाल के कहता है, लेकिन उम्मीदों पे खरा उतरा नेवी की टीम पर। मैच समाप्त हो चुका है, नेवी की टीम ने यहाँ पे बाजी मार दी।